वेल गाइस, तो फाइनली टीएनए रेसलिंग का हार्ड टू किल पे पर व्यू ओवर हो चुका है और गाइस फाइनली पे पर व्यू के ऊपर वो डेब्यू हो चुका है जिसका हम सभी लोगों को इंतजार था। गाइस आज यहां पर टीएनए रेसलिंग के हार्ड टू किल पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर टीएनए का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहां पर एलेक्स शेली और मूज के बीच में टीएनए का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है। और यहाँ पर इन दोनों के आज इस मैच के अंदर एलेक्स शेली और टीएनए के लंबे चौड़े मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर मूज यहां पर उनके फिनिशर के साथ एलेक्स शेली को बीट कर देते गए। और गाइस यहां पर टीएनए के हार्ड टू किल पेपरव्यू के ऊपर टीएनए रेसलिंग का वर्ल्ड टाइटल चेंज हो जाता है, जहां पर मूज के पेपरव्यू पर चैंपियन बनने के बाद शो के एंडिंग पर मूज यहां पर उनके फैक्शन के साथ सेलिब्रेट कर ही रहे होते गए, तभी अरीना के अंदर सडनली एक म्यूजिक प्ले होता है। और गाइस इसके बाद हमें यह पता चलता है कि डॉब जिगलर यहां पर टीएनए पर डेब्यू कर रहे गए। वेल गाइस डॉब जिगलर के म्यूजिक के प्ले होने के बाद सभी लोग यहां पर टीएनए के रैंप के ऊपर देख रहे होते गए, बट गाइस तभी सडनली जिगलर यहां पर पीछे से रिंग के अंदर आ जाते गए और वो यहां पर मूज के ऊपर अटैक कर देते गए। और यहां पर पेपरव्यू के एंडिंग के ऊपर डॉब जिगलर आज यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन मूज की जमकर कुटाई कर देते गए। वेल गाइस जिस तरीके से पेपरव्यू के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर डॉब जिगलर ने डेब्यू किया है, उसके बाद इस चीज को देखकर ये बिल्कुल ही क्लियर है कि डॉब जिगलर यहां पर टीएनए के वर्ल्ड टाइटल के अगले चैलेंजर होने वाले गए। और देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जिगलर के रिसेंटली एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद आज यहां पर जिगलर के टीएनए में डेब्यू करने के बाद टीएनए रेसलिंग अब यहां पर जिगलर को कैसे बुक करती गए।